24th midnight to early morning of 25th. And during the landfall time, it will cross as a severe cyclonic storm, and anticipated wind speed is around 100 to 110 kilometer, gusting up to 120 kilometer per hour. And because of the system is a severe cross coast as a severe cyclonic storm, we are anticipating that heavy to very heavy rainfall activity, that is rainfall amounting 7 to 20 centimeter over some parts of coastal, north coastal Odisha, particularly Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, Baleswar, including we are expecting isolated extremely heavy rainfall activity, that is rainfall amount that could be more than 20 centimeter over these districts. Looking into this condition, red warning has been issued. हुआ है बंगाल में, आज ये साइक्लोन का रूप ले लिया है इसने, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में तब्दील होगा और 24 और 25 तारीख के बीच में, 24 तारीख की रात और 25 तारीख के सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो थ्रस्ट एरिया हमारा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये बताया जा रहा है कि पुरी और सागर आइलैंड के बीच में जो है इसका लैंडफॉल होगा, और अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी कुछ समय है इसमें। कई बार देखा गया है कि साइक्लोनिक अपना जो रूट होता है वो चेंज भी होता है, इसमें तब्दील आती है, तो इसमें ये अनुमान किया जा रहा है कि केंद्रपाड़ा और भद्रक के बीच में जो इसका थ्रस्ट एरिया है, लैंडफॉल का एरिया है, वो होगा। इसको देखते हुए उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती की गई है, बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 4 टीमें हमारी वहाँ पर मौजूद हैं रिजर्व में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी फैलाव रहता है, उसको देखते हुए विशाखापट्टनम में भी तैयारी की गई है, और पोस्ट लैंडफॉल सिचुएशन जो डेवलप होती है, जिसमें देखा गया है बिपरजॉय साइक्लोन में देखा हमने कि राजस्थान में भी काफ़ी बारिश हुई और उससे क्षति पहुंची, और अभी हाल में ही साइक्लोन रेमल में देखा गया था कि त्रिपुरा तक उसका जो है असर हुआ, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमने टीम को तैनात किया हुआ है। झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं टोटल, अगर टीम की बात किया जाए।